और कौन है? मैं भगोड़ा नहीं हूँ। मैं चलिए आइए आइए आप तो बस रिगार्डिंग भैया भैया आजा 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 मामला है कि आए दिन प्राइवेट डग्गामार रोडवेज के सामने से यात्रियों को जबरदस्त खींच के ले जाते हैं और बस स्टेशन प्रांगण के अंदर अपनी बस को लगाते हैं। अगर कर्मचारी विरोध करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज मारपीट करने के लिए आमादा हो जाते हैं और धमकी देते हैं कि मैं गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा। आज इसी परिप्रेक्ष्य में आरटीओ और प्रबंध तंत्र की चेकिंग चल रही थी तो कर्मचारी भी अपना खड़ा थे कि गाड़ी अगर पकड़ी जाएगी तो हम निगम हित के लिए सहयोग करेंगे। इसी में कुछ प्राइवेट दबंग बस माफियाओं ने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। उसमें एआरएम काशी, एआरएम कैंट और डबल एओ को पे ऊपर भी हाथापाई मारे गए हैं, सब पीटे गए हैं और कर्मचारी पीटे गए हैं। उधर से भी दो एक लोगों को चोट लगी। मैं जैसे पहुँचा हूँ दोनों तरफ के बीच बचाव करके हाथ जोड़ के मामला को शांत कराया है और तत्काल मैं एसओ साहब को दूरफोन मोबाइल पर अवगत कराए हैं और मैडम सीओ क्षेत्रगंज को मैंने अवगत कराया हूं। ये सरकार की मंशा है। हाई कोर्ट का आदेश है कि रोडवेज बस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर प्राइवेट बसें चले और प्रमुख सचिव का भी शासन आदेश है जो मेरे कार्यालय में क्षति प्रबंधक कार्यालय में रखा गया है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगता है, आए दिन बवाल होता, दो दिन बाद फिर मामला ठंडा। इसके जिम्मेदार रोडवेज के चौकी इंचार्ज बेग साहब और यातायात के सिपाही हैं। कर्मचारियों का इतना बड़ा आक्रोश था कि क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और मेरे द्वारा और सीओ क्षेत्रगंज के अपील पर ही मामले को किसी तरह सलटाया गया है। अगर इसी तरह ये दो दिन बाद फिर चालू होगा तो किसी दिन किसी कर्मचारी पर जानलेवा हमला हो सकता है। पूर्व में हुआ है, आज एआरएम डबल एओ पर भी जैसा मैं सुना हूँ उनके ऊपर बस चढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। कई मीडिया कर्मियों के पास कि बहुत लोगों के पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। मेरे द्वारा दोनों तरफ से हाथ जोड़ के मामले को शांति कराया गया है क्योंकि गाली देने का और मारने पीटने का किसी के पास अधिकार नहीं है। रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है और ओवरलोड तथा डग्गा मार के विरुद्ध अभियान चल रहा है। हमारे सारे अधिकारी ओवरलोडिंग में लगे हुए हैं, चंदौली में 3 जगह पे और डाफी टोल प्लाजा पे 24 घंटे। हमने बाहर के 2 PTOs को ले करके और रोडवेज पे जो शिकायत मिल रही थी डग्गेमारी की उसको विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम आए। 3 गाड़ियां हम लोगों ने बंद की थी। अकस्मात पीछे बवाल होना शुरू हुआ। लोगों का ये आरोप है कि रोडवेज के कर्मचारी ने किसी यात्री का सिर फोड़ दिया, यद्यपि उसका प्रमाण नहीं है।
और प्राइवेट वाले भी उसमें इकट्ठा हो गए, आपस में मारपीट हुई। एक प्राइवेट ऑपरेटर हैं जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, पहले उन्होंने बताया कि मैं श्री प्रकाश मिश्रा मेरा नाम है, लेकिन अभी इंस्पेक्टर ने बताया कि वो छेदी मिश्रा हैं, उनकी भी गाड़ियाँ चलती हैं इंस्पेक्टर ने बताया। तो उनका भी शर्ट फटा हुआ है, पता नहीं फटा है कि क्या हुआ, लेकिन विवाद हुआ। रोडवेज के कर्मचारी तात्कालिक प्रभाव से उन्होंने चक्का जाम कर दिया, अब प्रयास करके उसको खुलवा दिया गया है। ये रोडवेज पर शिकायत आज मिली है कि क्या कहता है, इस पे बाहर के जितने प्राइवेट बस स्टैंड बस वाले हैं वो आके यहाँ के अंदर इसमें जितने भी यात्री हैं उनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं और अपने बसों में बैठाते हैं। ये शिकायत जेन्युइन भी है, मेरे द्वारा भी इसको देखा गया और ये सही बात है। रोडवेज में सिर्फ रोडवेज का अपना एक यूनियन है, अपनी एक परिसीमा है, उसके अंदर ज़बरदस्ती किसी भी तरह का उचित नहीं है। आज ये शिकायत की गई है, इस पे मौके पे आके मैंने स्वयं भी देखा है और इसमें प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। मारपीट भी हुआ है, बताव हुआ हाँ, मारपीट की घटना भी संज्ञान में आई है, इनके द्वारा तहरीर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। नहीं, ये समस्या हम सहमत हैं कि ये समस्या है यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति मेरे पास लिखा पढ़ी में ये न दिया है, ना व्यक्तिगत मिल के मेरे संज्ञान में लिया है। आज 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 ये समस्या मेरे समक्ष रखी गई है और हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि इस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कुछ सिपाहियों के खिलाफ शिकायत की गई है, उनके गोपनीय रूप से भी जानकारी की जाएगी और अगर लिखा पढ़ी में भी दिया जाएगा तो उसकी जाँच की जाएगी, अगर आरोप सही है तो निस्संदेह कार्यवाही होगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप निराश नहीं होइएगा।